जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने गेहूं खरीद पर कहा कि शासन के निर्देश अनुसार 1 अप्रैल से जिले में गेहूं क्रय केंद्र खुले हैं, जिसमें कुल 140 से ज्यादा केंद्र खुले हैं तथा गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों को गेहूं बेचने के लिए सभी सुविधा मौजूद है। उन्होंने कहा, मेरा सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपने गेहूं को कहीं पर भी किसी बिचौलिए के हाथ में ना बेचें, जिसको देखते हुए सभी क्रय केंद्रों को समर्थन मूल्य के आधार पर खरीद करने के लिए निर्देशित किया गया है तथा किसानों के गेहूं का भुगतान 3 दिन के अंदर किसानों के खाते में भेजने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसलिए किसान भाई गेहूं क्रय केंद्र पर ही अपने गेहूं को बेचे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, 1 अप्रैल से शासन के गेहूं क्रय नीति के अंतर्गत हमारे यहाँ केंद्र खुले हैं, 140 से ज़्यादा केंद्र खुले हैं। वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ हम लोगों ने किसानों को मोबिलाइज़ करने के लिए ग्राम स्तरीय कर्मचारी, हमारे लेखपाल, किसान सहायक सबको मोबिलाइज़ करने के लिए मोटिवेट भी किया है। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि कोई भी अपने जो उत्पादता है उसको कहीं और डिस्ट्रेस सेल में ना बेचें। किसान किसी दलाल या किसी बिचौलिए के चंगुल में ना आए, समर्थन मूल्य के आधार पर खरीद करने के लिए और भुगतान सीधा खाते में 3 दिन के भीतर करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। कृपया करके हमारे केंद्रों पर ज़रूर आएँ और पंजीकरण करते हुए अपना उपज को भेजने का कष्ट करें।